करनाल में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस और प्रशासन का कोई भी खौफ नहीं रहा। स्टोंडी गांव में 30 वर्षीय संदीप की अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने घर से फोन पर बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी और वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। अस्पताल में भी बड़ी संख्या में स्टोंडी गांव के लोग भी मौजूद रहे। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की जा रही है। आखिर कब तक सीएम सिटी में ऐसी घटनाएं घटित होती रहेगी जहां आए दिन बदमाशों के हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं और उन्हें किसी का भी कोई खौफ नहीं रहा। सर मामला उस पर पहले से तो क्या कार्रवाई चाहेंगे, कैसी सजा होनी चाहिए उसको? सर उसको मैं गोली मारना चाहूंगी अपने हाथों से। बस जिसने मारी है गोली पता है आपको कौन है? बोलो सर। हाँ उसका पता पुलिस करेगी, उसका पता पुलिस करेगा, नहीं करते कानून करेगा। कानून किस लिए? कानून किस लिए? कानून पता करेगा। क्या नाम है? कैसे हुई वारदात? ये ब्लैक लेके जी। कहाँ पे? स्टोंडी से अड्डे पे, ग्राउंड अड्डे। तो इसकी कोई दुश्मनी थी, कोई रंजिश थी उनके? क्या पता जी, दुश्मनी कोई लेन देन चल रहा था? हाँ जी, कोई लेन देन तो था उनके साथ। लेन देन? हाँ, किसी के साथ 2 लाख रुपए दिए हुए थे। अच्छा, तो क्या पता उन्होंने किया। क्या नाम है मरने वाले का? संदीप। आपका क्या लगता है? मेरा सुरेंद्र में भाई है। ये कब कितने बजे बुलाया था? ये 8:30 बजे करीब है जी। आज? हाँ जी, आज सुबह। तो अड्डे पे क्या कर रहा था? 9 बजे के करीब। क्या कर रहा था वहाँ पर? बस बैठे हुए थे जी, सभी अड्डे पर। अच्छा, फिर उन्होंने फोन करके इसको बुलाया? पहले फोन किया जी, फिर बाद में उसको बिठा के ले गया। कहाँ पर? कहाँ बुलाया? जोड़ पे जी, मेन अड्डे पे, ग्राउंड अड्डे पे। अच्छा, तो वही जोड़ के पास ही गोली? हाँ जी, नहीं जोड़ के बिठा के ले गए जी। अच्छा, थोड़ी दूर लेके बिठा गया, 1-2 किले की भाई, और दोनों जाके गांव में ही गोली मार दी। कितनी गोलियां मारी? एक गोली मारी जी। कहाँ लगी? यहाँ लगी जी। कितने लोग थे वो? हाँ जी, 2 लोग थे। बाइक पे। पहचानते उनको? मैं तो नहीं पहचानता जी, मैं तो क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहूँ उनको जल्द जल्द गिरफ्तार किया जाए बस। क्या नाम? कार्रवाई करें। आपका नाम क्या? मेरा नाम सुरेंद्र है जी। भाई हो आप? भाई हूँ जी बेटा। पुलिस पहुंच गई थी मौके? पुलिस मौके पर कहाँ जी, पुलिस तो यहाँ आई। अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उस जानकारी के अनुसार संदीप नाम का लड़का है स्टोंडी गांव से, वो स्टोंडी बस स्टैंड पे बैठा हुआ था, वहाँ कोई उसका जानकार आया, अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। और वो उसके साथ बैठ के बाइक पर गया था, तो थोड़ी देर बाद सूचना मिल गई कि उसको गोली मारी गई है। तो क्या 2 युवक बताए जा रहे हैं ये? अभी तक कंप्लीट जानकारी देना या कोई कुछ भी कह पाना एग्जैक्ट नहीं कह सकते। तो क्या कार्रवाई की जा रही है सर? इनके बयान ले लिए गए हैं, FIR दर्ज की जा चुकी है, अगली जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। हमारी टीमें सारी लग चुकी हैं, CIA साइबर सब इस पे काम कर रहे हैं। एक गोली लगी है क्या अभी? अभी तक ऊपर से बॉडी देखने पे एक गोली प्रतीत होती है। पोस्टमार्टम के लिए रख दिया था? हाँ जी, वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।